हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग एक साइट विजिट पे थे मिर्ज़ापुर ज़िले में। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, एक पुरानी राइस मिल है जो कि बंद पड़ी हुई है, और इसके लेफ्ट और राइट में जो स्पेस बची हुई है, यहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ के जो ऑनर है, उन्होंने बुलाया था तो मैं यहाँ पर आया था, सारी बातें हुई। और यहाँ पर एक सोलर सिस्टम हमें दिख गया 25 KVA का, बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी ये जो बिल्डिंग है, काफ़ी पहले से बंद पड़ी हुई है राइस मिल, तो इसी में थोड़ा सा कन्वर्जन करके ये जो है डबल एफ जी, 3 FG और 4 FG की फार्मिंग ये जो है कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग में भी, जिस बिल्डिंग में अभी ये मुर्गे हैं, इसको भी कन्वर्ट करना है इसी में। तो उन्हीं सब बातों के लिए हम लोग यहाँ पे साइट विजिट पे थे। ये मिर्ज़ापुर ज़िला है और यहाँ पे मड़िहान के पास में। तो मेन मेरा मकसद ये था कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उसमें 95% जो है फार्मर हैं, इसी पोल्ट्री फार्मर हैं, और सबको रिक्वायरमेंट रहती है 24 घंटे बिजली की, जो इसी पोल्ट्री फार्मर हैं। और उनके लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो उनको दूँ सोलर पे। तो मुझे यहाँ पे 25 KVA का इनके यहाँ, सर के यहाँ जो है इंस्टॉल था, और 10 KVA का इन्होंने पहले ही लगाया था, करीब 2009-10 में, जैसा कि इन्होंने बताया। मैंने इनका इंटरव्यू भी लेना चाहा तो वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, तो जो भी जानकारियाँ थी मैंने इनसे ली और फिर आप तक ओवर कर रहा हूँ। तो 10 KVA का सबसे पहले इन्होंने लगवाया था 2010 में, इसकी कॉस्टिंग, और इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं है, ये पर्सनल अपने पैसे से लगवाया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद फिर से 15 KVA का बाद में, करीब इस टाइम पे, करीब 6 महीने पहले इन्होंने लगवाया। और जो सिस्टम है इनका, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों है। ये 15 KVA का जो बैटरी का सेटअप आप देख पा रहे हैं सेल का, 15 KVA वाले में 15 बैटरी लगी हुई है, और 10 KVA का जो सिस्टम है उसमें 10 बैटरी लगी हुई है। जो इसका सेटअप है, ये आपको जैसे सोलर से चल रहा है तो वहाँ भी बैकअप अच्छे से देता है, और जैसे रात में लाइट ना मिली, या फिर सोलर रात के टाइम पे तो चार्ज करता नहीं है, तो उस टाइम पे भी इन्होंने बताया कि फुल लोड पे, जो 15 KVA का है, वो फुल लोड पे आपका 8-9 घंटे का बैकअप दे देता है। और ये दोनों के लिए अलग अलग जो है इन्वर्टर है, जो 15 KVA का है उसके लिए अलग सेटअप है, और जो 10 KVA का है उसके लिए अलग सेटअप है। तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि साथ के हैं एक दो दोस्त हैं, वो लोग यूटीएल जो है सोलर पे काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक दिन टाइम निकाल के, उनके शॉप जौनपुर में है, बनारस में भी है, मिर्ज़ापुर में भी है, तो कई जगहों पे उन लोगों की ब्रांचेस हैं, तो एक दिन मैं टाइम निकाल के जाऊँगा और उनसे सारी डिटेल, क्या सब्सिडी है गवर्नमेंट की, स्कीम क्या है, और पर्सनल लगाने पे क्या बैठ रहा है इस टाइम पे, और सब्सिडी वाला सिस्टम डालने पे कितना टाइम लगता है, और क्या जो है खर्चे आते हैं, तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको दूंगा किसी अगले वीडियो में। और इसका जो खर्चा बताया था सर ने, कि जो 10 KVA का लगाया था सबसे पहले 2010 में, तो उसका ही खर्चा करीब 9-10 लाख के आसपास आ गया था। और फिर जब ये 6 महीने पीछे जो 15 KVA वाला सेटअप डलवाया था, तो उसमें भी अभी, क्योंकि चीज़ें जब नई होती हैं, स्टार्टिंग फेज़ होता है, तो उस वहाँ पे महंगी होती हैं, और जो 15 KVA का अभी लगाया तो उसमें भी करीब 10-11 लाख का खर्चा आया था। और ये सेटअप जो है, ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों बैकअप है। तो ये रही छोटी सी वीडियो, आपको जानकारी कैसी लगी, और मिलते हैं फिर डिटेल वीडियो में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।